वाला है। मोबाइल एप्लीकेशन में एक और प्रोग्राम में मोहम्मद शौकत असलम होता आपकी खिदमत में हाजिर है। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है वो हमने स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए यूज़र से जो वैल्यू है वो इनपुट करवानी है, और ये जो सब्जेक्ट है मोबाइल एप्लीकेशन वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज एलपी में आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है। आज जो है हम मजीद जो है प्रोग्राम तो देखते हैं नेट न्यूज़ के अंदर। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उनकी वैल्यू हमने खुद असाइन की है। आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड से किस तरह हम एक नंबर लेकर उसको वेरिएबल में सेव करते हैं। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट मैं लूँगा और जावा मुख्तलिफ क्लास लाइब्रेरी इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया था, स्विच प्रोग्राम के नाम से एक हमने क्लास बनाई थी, और इस तरह ये जो है क्लास बनाने के बाद हम लाइब्रेरी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्या होते हैं पैकेजेस होते हैं, और पैकेजेस में जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस पढ़ी होती हैं, और इसमें सबसे इसमें जो है पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़े होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो एक क्लास को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कैनर के नाम से मैं एक क्लास जो है वो डिफाइन करता हूँ, और उसको ऑब्जेक्ट जो है वो एस सी दे देता हूँ, और इसको बराबर कर देता हूँ न्यू से, और उसके बाद फिर मैं स्कैनर लिखता हूँ, और इसके अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट इन। यानी कोई भी चीज़ मैंने इनपुट करानी है तो उसके लिए ये सारा जो है वो कोड मैं लिखूँगा, और उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगा दूँगा। तो बेसिकली इससे एस सी इसका क्या नाम, एस सी इसका नाम है। अब ये एक जो है क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, और वो है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये बेसिकली जो स्कैनर मैंने लिखा है वो इस प्रोग्राम को समझ नहीं आ रहा कि ये स्कैनर है क्या चीज़। हम प्रोग्राम को समझा देते हैं कि स्कैनर बेसिकली क्या चीज़ है। अगर मैं इसके शुरू में लिख देता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसी तरह इसके आगे भी मैं लिख देता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब इसका क्या मतलब है, जावा एक लाइब्रेरी के अंदर यूटिल पैकेज में एक क्लास है, और उस क्लास के अंदर जो है वो स्कैनर उसका जो है नाम है, और स्कैनर के जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर उसका जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हमने। लेकिन हर बार अगर मैं ये काम करता रहूं और तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बार बार मैं इस पैकेज को लिखूं और ये सारी चीज़ें लिखूँ जावा का यूटिल स्कैनर कोई भी चीज़ इनपुट कराने के लिए, तो उसका एक बेहतरीन हल है कि मैं यहाँ पे पैकेज के नीचे जो है इसको जो है वो डिफाइन कर देता हूँ इम्पोर्ट के नाम से, इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये एक मैंने इसको क्या कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया इसको स्कैनर को, इस क्लास को जो है वो यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर दिया। अब मुझे ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जावा डॉट यूटिल, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसको क्या कर दिया है, इम्पोर्ट करवा दिया है वहाँ से लाइब्रेरी से। ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह जो है ये चीज़ें लिखने के बाद जो है अब मुझे बार बार जो है इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखने के बाद जो है मुझे बार बार जो है अब स्कैनर जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जो है अब मैं मज़ीद जो है प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूँ, प्रोग्राम को देखता हूँ, इंट नंबर जो है ये मैं देखता हूँ, उसके बाद स्कैनर ये वाली जो है इनपुट कराने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए मैं लिखूँगा एस आउट, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द नंबर। ये बेसिकली मैसेज डिस्प्ले होगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जो है मैं
वो नंबर जो है सेव करवाऊंगा किसके अंदर, नंबर के अंदर, नंबर मैंने जो है वो इंटीजर टाइप वो डिक्लेयर किया हुआ है, नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्कैनर एस सी, वो मैं लिखूंगा एस सी। उसके बाद मैं लिखूंगा नेक्स्ट। अब मैंने इंटीजर टाइप जो है वो वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर। और उसके बाद जो है इसको जो है मैं ब्रैकेट ब्रैकेट लगा कर एंड पे सेमी कॉलन लगा दूंगा। और उसके बाद ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये स्कैनर के ऑब्जेक्ट से एस सी फिर डॉट नेक्स्ट, क्योंकि मेरा टाइप इंटीजर है तो मैंने लिख दिया, इस तरह मेरे वेरिएबल में वो नंबर सेव होगा जो यूजर नंबर एंटर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि आया ये जो है वो कंपाइल होता है या नहीं होता। तो अब जो है मैं इसको शिफ्ट प्लस F6 से जो है वो रन करके देखता हूँ इस प्रोग्राम को। तो ये अभी जो है प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद जो है रिजल्ट हमारे सामने आएगा कि आया इसका क्या रिजल्ट है। तो ये जो है बेसिकली जो है हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो फिर उसके बाद हमें ये शो करवाएगा कि आया क्या रिजल्ट है। तो ये यहाँ पे जो है वो एरर शो करवा रहा है कि इसके अंदर जो है वो एरर आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ कि एरर कौन सा हो सकता है। तो इसका जो एरर आ रहा है वो इम्पोर्ट के अंदर आ रहा है, इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा जो है वो देख लेता हूँ, इम्पोर्ट जो है ये एरर इसके अंदर क्यों आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डॉट है ये नहीं है, ये है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है। तो ये एक मुकम्मल जो है इस तरह आप इम्पोर्ट किया कर सकते हैं कोड को। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा शिफ्ट प्लस F6 से रन करता हूँ। तो ये अभी हमारे सामने जो है रिजल्ट आ गया, पूछ रहे हैं एंटर द नंबर। मैं नंबर यहाँ पे क्या प्रेस कर देता हूँ, दो प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद देखता हूँ कि वाकई मेरा रिजल्ट क्या आता है, या मैंने दो प्रेस किया एंटर किया किसी डिफॉल्ट, उसने ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू दिखा दी। अब मैं दोबारा शिफ्ट प्लस F6 से प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे वन देखता हूँ तो उसने एरर दे दिया है। बेसिकली यहाँ पे जो है एरर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो है टू प्रेस हो गया। दोबारा मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ शिफ्ट प्लस F6 से, और उसके बाद मैं जो है वो नंबर एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रेस करता हूँ और उसके बाद ये देखें नंबर वन, केस वन के अंदर देखें नंबर वन जो है डिस्प्ले हो रहा है। फिर मैं शिफ्ट प्लस F6 से प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे जीरो देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखे नंबर इज जीरो आ गया। तो इस तरह जो है आप यूजर की मदद से कोई भी वैल्यू इनपुट करवा कर अपना रिजल्ट आउट सकते हैं। तो ये था प्रोग्राम, मुझे आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।